जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नाशपाती की खेती कई किसान करते हैं। नाशपाती के फलों में फाइबर और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, इस वजह से इसके सेवन से हीमोग्लोबिन की पूर्ति की जा सकती है। ऐसे में नाशपाती की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके लिए इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो नाशपाती की सैकड़ों किस्में मौजूद हैं, लेकिन आलू और समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने नाशपाती की कई किस्मों में से कुछ किस्मों का चयन किया है जो इसकी बेहतरीन किस्में मानी जाती हैं, जिससे किसानों के साथ खाने वालों को भी विशेष लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इन्हीं नाशपाती की उन्नत किस्मों के बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, नाशपाती मूलतः चीन का फल है, लेकिन आज दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। आज नाशपाती की लगभग 3000 से अधिक किस्में मौजूद हैं, जो स्वाद और रंग रूप में अलग अलग होती हैं। इसकी बागवानी जो है बलुई दोमट और गहरी मिट्टी में अच्छी होती है, और अपने वहाँ अपने देश में भी नाशपाती की खेती होती है। तो अपने वहाँ अपने देश की जो बेहतरीन किस्में हैं, आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है पत्थर नग। इस किस्म का फल देखने में हरा, गोल तथा सामान्य आकार का होता है, जिसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां बनी होती हैं। इस किस्म के फल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अधिक समय तक स्टोरेज किया जा सकता है। वहीं इसका गूदा रस भरा और कुरकुरा होता है। इसके प्रत्येक वृक्ष में 150 किलो उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसके फल पक जाते हैं, और सुदूर अंचलों तक शहरों तक पहुंचाना इसे आसान होता है। अगली जो इसकी किस्म है, पंजाब नख। वैसे तो इस किस्म को भी पत्थर नख से ईजाद किया गया है, लेकिन इससे पैदावार अधिक होती है। ये हर वृक्ष में लगभग 190 किलो तक उत्पादन इससे लिया जा सकता है, और जुलाई के अंतिम सप्ताह में पकने वाली इस किस्म का फल देखने में हल्के पीले रंग तथा अंडाकार होते हैं। पत्थर नक की तरह इसका गूदा भी रस भरा और कुरकुरा होता है। और दोस्तों, अगली जो नाशपाती की किस्म है वो है पंजाब ब्यूटी। इस किस्म के वृक्ष मध्यम आकार के होते हैं, जो साल भर फल देते हैं। इसके प्रत्येक फल से 80 किलो तक उत्पादन लिया जा सकता है। इसका फल आकार में बड़ा, नरम और स्वाद में मीठा होता है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में इसके फल पककर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो नाशपाती की किस्म है वो है पंजाब नेक्टर। नाशपाती की इस किस्म में फल नरम और बड़े आकार के होते हैं। वहीं इसके फल देखने में पीले रंग के होते हैं, जिसमें से मीठे रंग का सफ़ेद गूदा निकलता है, जो पकने के बाद बेहद रसीले और मीठे लगते हैं। और इसके बाद जो नाशपाती की किस्म है वो है बागू गोसा। इस किस्म के फल देर से पकते हैं। ऐसे में जो किसान पछेती फसल बेचना चाहते हैं, ये किस्म जो है उनके लिए बेहतर है, और ये किस्म अगस्त महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, जो किसान नाशपाती की खेती कर रहे हैं या फिर जो नाशपाती की बागवानी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप इन किस्मों के बारे में विचार कर सकते हैं। बागवानी लगाने से पहले किस्मों का चयन तो बहुत ज़रूरी होता है, ये तो सभी किसान भाइयों को मालूम है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।